नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे पेंगुइन। दोस्तों, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए टाइम टू टाइम रिव्यू लेके आता रहता हूँ, और इसी कड़ी में ये एक मेरा नया रिव्यू मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चाहता हूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। पेंगुइन 2020 में रिलीज हुई एक तमिल मूवी है, स्टारिंग कीर्ति सुरेश और लिंगा। ये मूवी 19 जून 2020 को अमेज़न प्राइम पर डिजिटली रिलीज़ की गई है। लॉकडाउन के चलते ये फिल्म हॉल में रिलीज़ नहीं हो पाई, सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं तो वहाँ रिलीज़ नहीं हो पाई है, इसलिए इसे अमेज़न प्राइम पर डायरेक्ट रिलीज़ किया गया है। पेंगुइन ये फिल्म है रिदम नाम की एक लड़की की, जिसे एक सपना आता रहता है बार बार। उस सपने में उसे चार्ली चैपलिन के भेस में एक आदमी दिखता है जो छाता लेके आता है और हत्याएं करता है, पानी से निकल के बाहर आता है, पानी से बाहर चला पानी में वापस चला जाता है। तो इस तरह का सपना उसे बार बार आता है और इस सपने के कारण वो काफ़ी डर में रहती है। तो ये जो सपना है ये उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो पास्ट क्या है जब आप फिल्म देखेंगे तब समझ जाएंगे। तो दरअसल अब क्या है कि एक शहर है जिस शहर में ये रहती है, एक हिल स्टेशन बताया गया है, इसका नाम नहीं दिखाया पर एक हिल स्टेशन टाइप का है। तो उस हिल स्टेशन में जहाँ ये रहती है वहाँ पे इसे ये सपना तंग कर रहा है, साथ ही साथ उस हिल स्टेशन में छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। 6 साल में उस हिल स्टेशन में 6 बच्चे गायब हो चुके हैं और पुलिस को पता नहीं चल रहा है कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब भी कोई बच्चा गायब होता है तो कुछ दिनों बाद एक गुलदस्ता मिलता है, उस गुलदस्ते पर रेस्ट इन पीस का टैग लगा होता है, उस पर कुछ मांस होता है और बहुत सारे उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही होती है। तो ये एक सिग्नेचर है जो किडनैपर हमेशा वहाँ छोड़ के चला जाता है। तो रिदम खुद के दम पे उस किडनैपर का पता लगाने में जुड़ जाती है, क्योंकि वो किडनैपर उसके पास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इस फिल्म में आगे क्या होता है ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। देखिए, एक थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर मूवी, और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के लिए आप क्या समझते हैं कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी में क्या होना चाहिए? एक ऐसा सस्पेंस जो आपको बांध के रखे, आपको कुछ भी सोचने का मौका ना दे, पलक झपकाने का मौका ना दे। दोस्तों, पेंगुइन उस मामले में फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, शुरू से लेकर एंड तक जिस तरह का सस्पेंस इस मूवी में क्रिएट किया गया है वो गजब का है। डायरेक्टर ईश्वर कार्तिक की यह डेब्यू मूवी है, उन्होंने ही कहानी लिखी है, उन्होंने निर्देशन किया है और कमाल का निर्देशन किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि इस फिल्म में जो सस्पेंस का ताना बाना बुना गया है बहुत ही खूबसूरत, शुरुआत से अंत तक हम अपनी सीट से हिलते नहीं हैं। हम अगर मूवी देखना शुरू करते हैं तो हम कंटिन्यूस मूवी को देखते जाते हैं। वही कीर्ति सुरेश का जो अभिनय, उन्होंने जान फूंक दिया, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस हैं वो, और उन्होंने बहुत शानदार रोल इसमें किया है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत शानदार है, जिस तरह का एक ड्रामा क्रिएट किया गया उस बैकग्राउंड म्यूज़िक से, एक जो ताना बाना बुना गया है सस्पेंस का वो बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही साथ इस मूवी की जो लोकेशन दिखाई गई है, जो हिल स्टेशन उसमें दिखाया गया है वो बहुत कमाल का है दोस्तों। तो पेंगुइन एक पूर्ण रूप से सस्पेंस मूवी है। कहीं ना कहीं इस मूवी को देखते वक्त आपको हॉलीवुड की मूवी इट की ज़रूर याद आती है, मगर फिर भी ये इस मूवी से कई मायनों में बिल्कुल अलग है और आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में अवेलेबल है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो हिंदी दर्शक के लिए थोड़ी निराशा है कि हिंदी में ये मूवी अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके हिंदी सबटाइटल अवेलेबल है, मगर इस मूवी को आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं शुरू से एंड तक। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये मूवी कहीं से भी निराश नहीं करेगी, ये एक बहुत अच्छी मूवी है, मास्टरपीस है। मैं इस मूवी को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों आपसे, अगली मूवी का रिव्यू लेके जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय।